मेरी बात सुन ले। कोई तो सामान नहीं बिकता। क्या नहीं बिकता तो मोदी बेचे। रुझान तो यही रहेगा योगी मोदी का, और क्या रहेगा। फिर मैं वही कहूंगा, यो गठबंधन नहीं है, यो ठगबंधन है, ठगबंधन। अरे भैया, जो फैसिलिटी मोदी ने यहाँ दी, योगी ने दी कि सरकार ने दी नहीं, यहाँ तो जो भी है योगी को देंगे या मोदी को देंगे। अरे भाई साहब, जो आज बीजेपी ने काम करते, किस राह ने आते काम कराई। योगी मोदी ने जो काम करा दिया, कोई नहीं करा सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। दिल्ली से सहारनपुर यो हाईवे, जमुनोत्री हाईवे, इसके पेड़ तक कट गए। कहाँ है वे? दिल्ली से किससे हिसाब मांग रहे? मुला अखिलेश से, अखिलेश के उसमें उसका चाचा वो था। इससे बढ़िया सरकार ना तो है और ना होगी। दो इंजेक्शन दो फ्री लग रहे हैं कोविड के, मोदी बना रहा क्या उन्हें? कहाँ से मांगे? अखिलेश वैक्सीन कह रहा था, अखिलेश तो इसे ले गया था, मोदी की वैक्सीन बता रहा था और फिर इंजेक्शन लगवा दिए। एक लोग बोलोगे ऐसे, इस सरकार ने एक काम तो करा के बदमाशी खत्म कर दी थी। अगर ये सरकार नहीं रहती भाई, तो हम कहते अखिलेश बन जा, अगर ये सरकार नहीं रहती तो हमारा दुर्भाग्य है। तो भाई सरकार ढेर बढ़िया, भगवान हम तो नुकई योगी ढेर सोना भाई, मोदी ने तो अंदर तक के कटवा लिए भाई। सबसे बड़ी तो सुरक्षा है, सुरक्षा सबसे बड़ी है। खेत तो मोटरों का पैरा दे, हमें योगी चाहिए, योगी सरकार चाहिए। वोट किसको देंगे? ठीक है, वोट किसको देंगे? चलो, आप बाबा का तो डंडा पूरा है इस टाइम। भाई सब भाई कह के बोल लो और भाई कह के बुलवाओ। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम थाना भवन विधानसभा में मौजूद है, हसनपुर लुहारी क्षेत्र है, कस्बा है। 2017 में यहाँ पे भाजपा के सुरेश राणा विधायक बने और वहाँ से वो मंत्री भी बन गए। और वर्तमान में यहाँ की जनता का क्या रुझान है, 2017 के बाद 22 में भी क्या सुरेश राणा को चुनेंगी, या जो दूसरे नंबर पे बसपा थी 2017 में, उसका जो कैंडिडेट नया चेहरा आ रहा है उनको चुनेगी? सीधे बात कर, हम बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी एक बात सुनो, हमारा यह है नहीं, अच्छा है, सारे काम में अच्छा है। क्या नाम है? करम सिंह। अपना नाम? नाम बताओ अपना। कुछ खा लिए है क्या? क्या सुरती खा रहे हैं? अजी भाई, हम तो जनता के साथ में, जहाँ लुहारी के जाएंगे वहीं हम चले जाएंगे। मैं यहाँ जो आया हूँ, मैं आपके मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, हर जगह गया हूँ। गन्ने का जो किसान है वो कह रहा है कि जो ये मंत्री साहब बनाए गए हैं, ये उनकी बात योगी तक पहुंचाते नहीं है और हम लोग समस्याएं झेलते हैं। ये हमें कुछ नहीं पता, ये क्या मैटर है क्या नहीं है। बजाज वाला पैसे क्यों नहीं देता? इस क्षेत्र के गन्ने में मिठा नहीं है या चीनी नहीं है? मील पेमेंट की समस्या है। मील वाले पे सरकार दबाव क्यों नहीं बनाती? हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि अरे मेरी बात सुन लो, गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं आता, जब दूसरे मील वाले इस सीजन का भी दे रहे हैं? हमारी तो समस्या सिर्फ यह है। हम बताओगे? मेरी बात सुन ले। पश्चिम उत्तर प्रदेश के नहीं, थाने भवन क्षेत्र के, थाने भवन मील के, ये तितावी वाले ने भी पैसा दे दिया, इन्हें देवण वाले ने पैसा दे दिया, शामली वाले ने, टिकोल्ला वाला सबसे आगे पैसा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं। एक मालिक है बजाज, वो पैसे रोक के मिल की समस्या। हाँ, मेरी बात सपा सालोद मिल गई है, भाजपा एक तरफ है, बसपा एक तरफ है। बसपा दूसरे नंबर की पार्टी थी 2017 में और दूसरा भाजपा से राणा है, क्या कहेंगे? अजी हमें उसके बारे में तो कुछ नहीं कह रहा ना, उठ के बने में कौन सा चेहरा क्या आ रहा। मैंने तो सरकार की बात बता रहे, हम आपको सरकार की बात ये नहीं कह रहे। पहले जो था उसका रिचार्ज भी लगा लो, मोबाइल ठाव भी रहे, डेढ़ उसका एक उसका 150 रुपये का रिचार्ज था 28 दिन का, वो सरकार के हाथ में। अजी जनता की तो बात बता रहे, भारत आम आ जाएगी। अजी सारे बात यह बता रहे, पूरे भारत बताइए, समस्या पूरी है, करने का पैसा नहीं मिलता की रिचार्ज की बात पूरे भारत में है। अजी पूरे की है, पूरे की है, पूरे की तो बताइए आपको अपनी जमीनी समस्या बताओ। समस्या जमीनी की है, कोई तो सामान नहीं बिकता। क्या नहीं बिकता तो मोदी बेचे? अजी नहीं, मोदी की नहीं बेचेगा, वो बेचेगा जो लेगा। सरकार कह रही वहां कहता है ले रे सोसाइटी में मुंजी कट्टी हल्ली
अली किसान में कितनी जगह है, वो 200 क्विंटल मुझे ले जाएगा। यूपी चुनाव आ रहा है, थाना भवन से राणा साहब जो है मंत्री हैं, विधायक हैं, बसपा दूसरे नंबर की पार्टी थी, बसपा नया चेहरा ला और उधर सपा और रालोद मिल गई है, तो क्या लगता है किसका रुझान? रुझान तो यही रहेगा योगी मोदी का, और क्या रहेगा भाई। सिर्फ जो भाई साहब मुल्कीराज ने कहा, यहाँ सिर्फ गन्ने की समस्या है पेमिठी, अन्य और यहाँ कोई समस्या नहीं हाँ, और ना कोई आज्ञा पैदा कर सकता इस बारे में। मतलब और सुनो, फिर मैं वही कहूँगा, यो गठबंधन नहीं है, यो ठगबंधन है, ठगबंधन गठबंधन नहीं है यो। हाँ जो कह रहे ना गठबंधन हो रहा है भाई, नई हवा नई सपा, यहाँ से कोई नहीं मानता इस बात को। यहाँ तो भाई हिंदुओं चाहे मुसलमानों खाने को दे रहा सबको। अरे भैया जो फैसिलिटी मोदी ने यहाँ दी, योगी ने दी, किस सरकार ने दी नहीं, यहाँ तो जो भी हैं योगी को देंगे या मोदी को देंगे। अरे भाई साहब जो आज बीजेपी ने काम करते, किस सरकार ने आज काम कराई? काग जो बस सड़क बन के तैयार हो ली। अच्छा भाई यहाँ गड्ढे में मरने लग रहे, अगजी बननी काम गई है जी, बननी की नहीं बनने बढ़ने लग रही जी। योगी मोदी ने जो काम करा दिया कोई नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता, किसी की हिम्मत नहीं है सरकार में। हो लिया नहीं का हो सकता किसी सर जो है ना, कागजों में सड़क लिखी गई कागजों में। और दिल्ली से सहारनपुर यो हाईवे जमुनोत्री हाईवे, इसके पेड़ तक कट गए, इसके पेड़ तक कट गए। कहाँ है वे, कहाँ है पेड़, कहाँ है सरकार की उसके प्रोग्रेस वो सड़क दिल्ली से। किससे हिसाब मांग रहे? मुला अखिलेश से, अखिलेश के उसमें उसका चाचा, उसका चाचा वो था शिवपाल सिंह यादव, निर्माण विभाग उस पर था, काट गया सहारनपुर तो सारी सारी करोड़ों का घोटाला। अरे अरे एक बात सुन, एक भाई तेरा भी विकल्प ही है, तू बता रहा था क्या समस्या है? अरे समस्या तो इनकी तो लोगों की, जोड़दा रुपए जोड़दा विधायक बन जाए या एमपी बन जा, वही रुपए कट्टा का भाई। सरकार तो इससे बढ़िया सरकार ना तो है और ना होगी। अगर एक महंगाई, एक बात सुन, ओए अब दूसरी बात, अरे नहीं एक महंगाई की सुन भाई, एक लोग बोलो। अच्छा सरकार ने आपके जीवन में क्या बदलाव? हमारे जीवन में बदलाव क्या नहीं है, अब सारे बदलाव है। थाना भवन से लेकर मुजफ्फरनगर तक चले जाओ, रोड बढ़िया। आप ये बताओ पहले, सरकार कर रहे हो, महंगाई नहीं है? महंगाई है, महंगाई कहाँ नहीं है? एक बात सुनो, अब महंगाई का विकल्प, अब सुन लो भाई साहब का विकल्प, भाई साहब का वो दे लेने दो मुझे। एक बात सुनो भाई साहब, आप बताओ, दो इंजेक्शन दो फ्री लग रहे हैं कोविड के, मोदी बना रहा क्या उन्हें, कहाँ से मंगे? ये तो कह रहे हैं हम अपनी वैक्सीन लाते हैं। अखिलेश वैक्सीन कह रहा था, अखिलेश तो इसे ले गया था, मोदी की वैक्सीन बता रहा था और फिर इंजेक्शन लगवा लिए। अखिलेश बाप ने भी और पूत ने भी सारे सर्वे लगा लिए, डिंपल भाभी ने, डिंपल ने भी, बच्चों ने भी, सारे परिवार ने लगा, अखिलेश की थी। एक बात सुन, एक बात सुन, एक लोग बोलोगे नहीं, बहुत बढ़िया, एक लोग बोलोगे सरकार अगर आपको अच्छी लग रही तो आप बताइए क्या अच्छा कर रही है। अगर इनको सुनो, अगर इनको कोई बुराई दिख रही है इनको भी सुनो, सही बात है नहीं बुराई है तो बुराई बोल। महंगाई में जूता पहन ला, कपड़ा पहन ला तो महंगा जी, कोई सामान ले लो आप, महंगाई महंगाई होती जा रही है। पेस्टिसाइड तो महंगाई, ये सरकार नु कह रही थी जी भाई थी कि किसान को मैं फ्री दे दूंगा जीएसटी की, एक वोल्टी को दवा है ली हमने, उसमें 250 रुपये जो है जीएसटी के सरकार ही ले रही किसान पे। बताओ किसान पे किस चीज़ पे जीएसटी लग रही? बुग्गी बंधवाने जाएगा तो जीएसटी भाई है, हम इसी बात को तो कह रहे, अब इससे ये पूछ रहे, बुग्गी बंधवाने जाएगा, लोहा मोदी के घर तो पैदा होगा और हमारे मत ही आवेगा, लकड़ी कटवा के लावेगा, पेड़ा चीरवा के लावेगा, तख्ते लावेगा, कहाँ तो लावेगा, मोदी के घर तो आवेंगे क्या मैं? अरे मैं हमारे पति ही तो जाएंगे, हमारे पति चीर पीड़ के जाएंगे। जब आप ये कह रहे हैं सरकार कुछ अच्छा करेगी तो हमारे जेब से ही जाएगा भाई, ऐसा है अच्छा करेगी कहाँ से लाएगी? अरे हमारे पास ही जाएगा और घूम फिर के हमारे पे ही आवेगा भाई, घूम फिर के हमारे पे ही आवेगा, हमें ही देगी। वैसे इस सरकार ना एक काम, वैसे इस सरकार
अरे सुनो भाई, और होर को भी बोलने का मौका मिलेगा। वैसे इस सरकार ने एक काम तो करा के बदमाशी खत्म कर दी थी, यह बात तो हकीकत माननी पड़ेगी। क्या बदमाश नहीं है? क्या रात को चलो, छह दिन में चलो, यहाँ कोई सरकार नहीं है, बदमाशी खत्म कर दूंगा। अगर ये सरकार नहीं रहती भाई दबे, हम कहते हैं अखिलेश बन जा, अगर यह सरकार नहीं रहती तो हमारा दुर्भाग्य है। डराया गया, डराई पक्का डर रहे हैं भाई, पक्के डर रहे हैं भाई, पक्के डर रहे हैं। यही तो कहते हैं नहीं भाई, बीजेपी नहीं नहीं है। ये चीज अगर खुलवाओगे ना, ये इनकी हिस्ट्री खुलवाओगे तो बहुत बुणगे निकलेंगे, जो कर गुल्लर में से निकलते हैं ना, इस तरह निकलेंगे। अखिलेश कह रहे हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान कर गई, बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती। एक बात यार, एक बात बताऊं, इसमें अखिलेश के उसमें ही नहीं, कोई बात नहीं, अखिलेश के उसमें ही है। मुसलमान भाइयों को कितना वो सपोर्ट कर दिया था वहां से, मुजफ्फरनगर में मरे कटिया जो सहूलियत होती तो वो डीएम थी वो। आप कह रहे जो टेंट में थे? हाँ टेंट में थे, कितनी सहूलियत दी थी। अगर मुसलमान, हम हिंदू मुस्लिम वाली बात छोड़ रहे, यहाँ नहीं है, यहाँ से है तो सिर्फ वही है। यहाँ सरकार कैसी लगी? सरकार ये बहुत बढ़िया है जी। क्या क्या बस क्या क्या तो है नहीं, अगर कहीं हम भूल भी गए सामान धर के, बस सुबह को फिर वहीं तक आ जाना। सुरक्षा अच्छी है? वो सुरक्षा है बहुत बढ़िया, इतनी सुरक्षा है कोई सरकार में नहीं थी। क्या अच्छा है? और अच्छा तो है, हम खेत में थे, छोल का में थे ना, तो हमारी पूड़ी भी अभी ठा ठा के सफा जहाँ थे, गन्नों की पूड़ी भी लूट लेते थे, अजी पता ही नहीं लगे था। तो भाई सरकार ढेर बढ़िया, भगवान हम तो नुकाई कैसे है योगी। अजी योगी ढेर सोना, ये तो योगी को तो हम नुचारे प्रधानमंत्री बने मोदी के बाद। 10 साल तो मोदी है, अभी 10 साल हाथ नहीं, उसके बाद यो ही आवे फिर। अच्छा आप चाहते हैं प्रधानमंत्री आगे बने, क्या कह रहे हैं? नहीं सही बात है, जो और इससे ज्यादा क्या नाम है? विनोद है। क्या लग रहा है विनोद सैनी जी? ये बताइए, मायावती धोखा दे देंगे? नहीं मायावती ने करा क्या अनु बताओ, उस टाइम तो सारा पुलिस वाला आवे था लूट के लेके चला जाता था। मायावती तो एकदम शांत बैठी है, बीजेपी ने नसों पकड़ ली, पर रहे ही नहीं भाई। मोदी ने तो अंदर तक के कटवा लिए, अंदर तक के कटवा लिए, अब जा अंदर तक के ये थोड़े लिकटन लग रहे। बताओ भाई, सबसे बड़ी तो सुरक्षा है, सुरक्षा सबसे बड़ी है, सुरक्षा इस राज्य में बहुत बढ़िया चल रही है। यहाँ से जल्लाबाद तक के नहीं जा सके थे, इन तक कादरगढ़ तक का जाना भारी हो जाता, कादरगढ़ से तक का जाना भारी हो जाता, खेत तो मोटरों का पैरों पहले। आप लोगों में ये है कि अगर सरकार चली गई तो ये सुरक्षा खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिल्कुल कतलेआम उठेंगे। थोड़ी दिक्कत तक कभी जा नहीं सके थे दिन में भी, थोड़ी गन्ने की पेमेंट की हो रही बस, और कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ नहीं। किसान आंदोलन से नाराज नहीं है? नहीं कुछ नहीं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। उनकी लड़ाई में देख सकते हैं, एक चुनावी चौपाल है, अरे हावी हो विरोध होना चाहिए हमारे। अभी क्या नाम है? सरकार बनाने का है ना, किसकी? मायावती बनवा रहे? नहीं हमें योगी चाहिए, योगी सरकार चाहिए हमें। योगी क्या किया योगी ने? योगी ने हमारे लिए बहुत कुछ क्या किया, ऐसी सरकार हमें बार बार चाहिए। हमारे हमारे उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म की, बदमाशों को खत्म किया, हम लोग बैटरी लेकर का मुंह में चांदना कर पानी चलाते थे खेत में, किसान आज बेधड़क रात को जाते हैं पानी चलाते हैं। हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अच्छी सड़कें दी हैं, चोरी चकारी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, हमारे यहाँ कोई चोरी चकारी नहीं है, हमें योगी सरकार चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम नूर हसन। अच्छा ये बताइए, काम काज ठीक है सरकार का? हाँ ठीक ही है, काम हुआ? हाँ काम भी हो ही रहा है। राशन मिल रहा? हाँ राशन मिल रहा। सही सरकार, भेदभाव नहीं कर रही ना, काम कर रही है, रोटी वगैरह बना रही है। हाँ वोट किसको देंगे? ठीक है वोट किसको देंगे? वोट वोट उसमें उसे देंगे जिसका राज चल रहा। योगी को वोट? हाँ जिसका राज चल रहा उसके राज में रहना, उसके कहने में रहना। अखिलेश है? अखिलेश जब अखिलेश आवेगा अखिलेश देख क्या जाएगा। फिलहाल तो अखिलेश तो आ गए ना मैदान में, पता अभी कहाँ मैदान में ही तो आ। सरकार तो आप वोट दोगे तभी तो आएंगे, वोट ही नहीं दोगे कैसे? अरे वो तो टाइम बताओगा अखिलेश को ये जिसका राज चल रहा है कहने। अच्छा नहीं ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, आप आराम से बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ, 2014 के बाद मोदी प्रधानमंत्री बने, 17 के बाद योगी प्रधानमंत्री बने, माहौल ठीक है?
हाँ माहौल ठीक है, पहले से ठीक है, पहले से ठीक है, अच्छा है। हाँ अच्छा माहौल ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिहाज से खराब सरकार है? नहीं है, तो नहीं है, नहीं कुछ नहीं, काम सबके लिए कर रही है, सबके लिए एक सारी कर रही। इससे पहले भाजपा कभी वोट दिया? नहीं, भाजपा को भी दिया वोट, दिया है आप? भाजपा को दिया वोट। हाँ काम काज सही लग रहा है? हाँ ठीक चल रहा काम, योगी सही है? हाँ नकेल जो सुरक्षा वगैरह है सही है कि नहीं? सब ठीक है। लूटपाट बता रहे हैं आसपास वाले कि बहुत लूटपाट होती है? नहीं लूटपाट तो नहीं हो रही। अरे पहले हुई थी? अजी वो तो पहले होती, पहले होती थी इनके राज से, कादरगढ़ तक नहीं जा पाते लूट लेते भाई। हाँ पहले तो लूट लेते, अब नहीं, अब सही है, अब सही है, अच्छा माहौल है, अच्छा अच्छा माहौल है। हाँ तो नाम है बेनाम मोहम्मद आरिफ है जी। अच्छा ये बताओ, ठीक है सरकारें आती जाती रहेंगी, सपा भी आएगी भाजपा भी आएगी, मुसलमान के लिहाज से मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको जो अच्छा दिखता है या जो ख़राब दिखता है वो बताइए। जी मेरे हिसाब से सरकार तो ठीक है, पर एक जगह थोड़ा सा माहौल ख़राब रखा है जो हिंदू मुस्लिम का। 7 साल में दंगे नहीं हुए कोई? हाँ वो तो सही है, मतलब इस मामले में तो ठीक है। अगर हिंदू मुस्लिम करते तो दंगे होने चाहिए, दंगे नहीं हुए। अगर योगी की बात करें 2017 के बाद से यूपी में एक भी दंगे नहीं हुए। अगर ये सरकार बांटती तो दंगे होते ना, बांट नहीं रही है, शांत है, काम तो सबके लिए कर रही है कि नहीं? नहीं काम तो सबके लिए कर रही है, जो और सरकार है उन्होंने भी सबके लिए करा। राशन वगैरह नहीं उस हिसाब से मिल रहा है जैसे पहले सुविधाएं मिलती थी, अब मिल रही हैं? नहीं सुविधाएं तो मिल रही, लेकिन जेब भी बढ़िया कट रही। महंगाई है? महंगाई बढ़िया है जी, दोगुनी। अखिलेश मुख्यमंत्री थे और अभी योगी हैं, अखिलेश ज़्यादा सोचते थे क्या मुसलमानों के लिए? ऐसा कुछ नहीं है जी, ना ना ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव नहीं करते थे? ना ना हमें तो कुछ नज़र नहीं आया जी। सर मारा सर, मेरा नाम आशु, पूरा नाम आशु सैनी। सैनी हो यार जी, मायावती वोटर थे सैनी पूरे? कोई भाजपाई हो गए? भाजपाई, पी और भाजपाई। क्या कर दिया ऐसा, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा बेचारे? हम हिंदुत्व के साथ हैं, जो सरकार हिंदुत्व के साथ है हम उसके साथ हैं। ठीक है हिंदुत्व रहेगा ही यार, लेकिन महंगाई इतनी हो गई। नहीं रहा नहीं था ना हिंदुत्व, हिंदुत्व तो खत्म हो चुका था भाई साहब, हिंदू जिंदा किया नहीं होती थी हमारे यहाँ। बस स्टैंड है, मेन अड्डा है, हसनपुर लुहारी है, किसी से पूछ लो यहाँ एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन लड़ाई ना हो मोमडन लोगों के साथ, मारपीट होती डेली। आप क्या माहौल सेट है? कह रहे हैं पार्टियां कहती हैं, अखिलेश भी कहते हैं बीजेपी ध्रुवीकरण करती है, बांटती है हिंदू मुस्लिम करती है। कोई नहीं बांटती, यहाँ सब एक है। आप कह रहे हैं बीजेपी जब से आई है तब से शांति? जब से बिल्कुल शांति है यहाँ पे। बाबा का डंडा है क्या? कुछ भी समझ लो आप, बाबा का तो डंडा पूरा है इस टाइम। भाई भाई सब भाई कह के बोल लो और भाई कह के बुलवाओ। काम कर रही योगी भाजपा के? भाजपा के? भाजपा की? हाँ जी। रोजगार तो मिल नहीं रहा भाजपा की? रोजगार छोटे मिले है, रोजगार है हराम का पब्लिक को मिला। क्या मिला? हराम का नहीं मिला पब्लिक को, दो बाय मिला राशन, अट अट दड़ी राशन मिला लोगों को। महंगाई महंगाई कहे की महंगाई है, हमारे खेत में चलो छुलन, कौन कह रोजगार नहीं मिल रहा? करने चाह रहे तो काम है, कोई करने वाला तो चाहिए, करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, फ्री का राशन मिल रहा, अब नमक और भी मिल गया, अब और ना कराओगे। थाना भवन विधानसभा है और यहाँ पे भाजपा और बसपा की टक्कर दिखाई दे रही है, आगे भी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।